तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो फिलहाल देखो बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट ऐसा भी आ रहा है कि भाई मेरा रैंक पुश मैं कर रहा हूँ पर इवेंट पे किल नहीं मिल रहा है, इवेंट पे लैग हो रहा है, डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब बहुत बहुत फलाना ढिमकाना दिक्कत हो रहा है। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है भाई, हर एक मैच में इवेंट पे आपको अच्छा किल मिलेगा ऐसा नहीं है। आज के गेम प्ले में ना भाई दो गेम प्ले रहने वाला है, दोनों में ही भाई इवेंट पर सर्वाइव कर नहीं पाया था, इवेंट पर मैं फिनिश हो गया वो भी जीरो फिनिशेस के साथ, समझ रहे हो ना, एक भी फिनिशेस मैंने नहीं निकाला था। तो भाई इवेंट के बाद भले ही आपको इवेंट पर एक किल मिले या जीरो किल मिले, उसके बाद कैसे सर्वाइव करना है, एंड में जाके कैसे भाई चिकन भी निकालना है ना वो भी सिखाएंगे, और डेली का प्लस टारगेट वगैरह जितना भी चाहिए भलाना नेम करना सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे, जिससे आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। बस मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को बस फॉलो करना है, उसके बाद देखना आपका कॉन्करर ईजी हो जाएगा। ईजी भले ही भाई मैं कम प्लस निकालो पर आप लोग मेरे से भी ज़्यादा प्लस निकाल सकते हो, और ऊपर से पता ही है भाई अभी का जो BGMI का सर्वर वगैरह है ना इतना FPS ड्रॉप मार रहा है भाई, डिवाइस खतरनाक ही है, खेल ही नहीं पा रहा हो, और आप लोगों के साथ क्या हो रहा है एक बार वो चीज़ भी मेरे को कमेंट करके बता देना। और फिलहाल देखो आप लोगों का क्या रैंक चल रहा है एक बार वो चीज़ मेरे को कमेंट करना, और कुछ भी दिक्कत आ रहा है रैंक पुशिंग में तो ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। और अभी देखो स्टार्टिंग है, दिक्कत तो आना नहीं चाहिए क्योंकि अभी भी मतलब कम से कम क्राउन तक चलो, क्राउन के बाद शायद थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। तो फिलहाल देखो आप बात कर लेते थोड़ा सा पहले वाले गेम प्ले को, मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो इवेंट पे मैं जीरो फिनिशेस के साथ फिनिश हुआ, उसके बाद यहाँ पे जोन के बाहर आया, कम से कम भाई जो सेफ जोन रहता ना उससे कम से कम 1.5-2 हज़ार मीटर दूर आओ, आराम से सर्वाइव करो। यहाँ पे देखो फिलहाल मैं ये वाले कंपाउंड पे आता तो हूँ पर कंपाउंड पे मतलब सीधा ही घुस नहीं जाता, एक बार गाड़ी घुमा लेता हूँ क्योंकि देखो कंपाउंड में भी क्या सीन रहता है, बहुत सारे कैंपर्स वगैरह रहते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कैंपिंग करके बंदा ईजी आपको फिनिश कर सकता है। तो इसलिए कैंपर से बचने के लिए ना भाई ये टिप्स यूज़ कर सकते हो, कोई भी कंपाउंड पे जा रहे हो तो कंपाउंड के चारों साइड में एक से दो बार गाड़ी घुमा लो, देखना भाई गंदा होगा तो आप पे स्प्रे लेगा या कुछ ना कुछ ऐसा हरकत करेगा जिसकी वजह से क्या सीन होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर बंदा है, नहीं रुकना चाहिए। और मैं बेसिकली बोलता हूँ कि देखो भाई इवेंट पर फाइट लो और एकदम सीधा चल के एंड जोन में फाइट लो, या फिलहाल देखो मैं कोई भी फाइट वगैरह नहीं लिया, दो बॉट का फिनिशेस मिला है वही दो बॉट लेके मैं एकदम खुश हो जाता हूँ। और इसके बाद ये वाला कंपाउंड में आता हूँ पर यहाँ पे मैं बस शॉपिंग करने आता हूँ, पर भी मैं यहाँ पे कंपाउंड को घुमा के एक बार देख लेता हूँ क्योंकि पीछे साइड से सरप्राइज अटैक मिलने में भाई टाइम नहीं लगता, समझ रहे हो ना, तो सब कुछ भाई आगे पीछे देखना पड़ता है। और एंड जोन में भाई जो ही तबाही मचाया ना ये वाला गेम प्ले में खतरनाक ही है। तो सबसे पहले तो जितना भी मेरे को बाकी का सामान वगैरह चाहिए मैं इधर शॉपिंग से ही उठा लेता हूँ, ये वाला शॉप वाला कार जो भी रहता है इधर से आराम से उठा लेता हूँ। और उसके बाद देखो चलेंगे एकदम सीधा जोन के कोई भी मतलब सेंटर वगैरह या कोई भी अच्छा पोजीशन मिल जाए तो वहाँ पे होल्ड करेंगे। और एक चीज़ बहुत सारे वाले लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई जोन सर्वाइव तो कर लेंगे पर कौन से जोन में एंट्री लेना चाहिए, तो देखो भाई थर्ड या फोर्थ जोन में एंट्री लो, मैं हमेशा एक ही सीजन में हर एक सीजन में ही बताता हूँ। और यहाँ पर फिलहाल आप लोग ये वाला जो मैप वगैरह है ना वो भी देख सकते हो, इतना छोटा जोन बन जाता है, इसके बाद जाके जोन में एंट्री लेता हूँ, पर इसके बाद वाला मतलब ये जो छोटा जोन देख रहे हो ना इसके बाद वाला जोन में सर्वाइव करना थोड़ा सा हार्ड है, मतलब सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे आप, इजी फिनिश हो जाएगा। तो इससे पहले ही आपको जोन में एंट्री ले लेना है जिससे आपको वही दिक्कत ना आए। तो फिलहाल यहाँ पे देखो दो बॉट के फिनिशर्स के साथ ना इजी यहाँ पे मैं जोन के अंदर एंट्री ले लेता हूँ और हाइट का भी एडवांटेज ले लेता हूँ जिससे मेरे को थोड़ा सा हाइट का एडवांटेज मिल जाएगा और भाई नीचे साइड जितने भी बंदे हैं ना स्पॉट में इजी कर पाऊँगा। पर यहाँ पे मैं बहुत देर तक होल्ड करता हूँ, कोई भी बंदा है मैं यहाँ पे मेरे को स्पॉट नहीं होता, पर यहाँ पे अचानक से क्या सीन रहता है मेरे इस टावर के नीचे जो शैक है ना उधर कोई बंदा दूसरे बंदे को फिनिश करता है तो मैं सोचता हूँ भाई ये बंदा पता नहीं कहाँ से आया तो इस बंदे को मैं कैसे फिनिश करता हूँ, बस वो सीन देखो अभी यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे इस भाई को भी बहुत ही इजीली फिनिश कर देते हैं, अच्छा खासा यहाँ पे पहला जो है ना भाई रियल बंदा मारा है। और उसके बाद ये वाला मैच में अच्छा खासा यहाँ पे तीन किल निकाल लेता हूँ, उसके बाद देखो नेक्स्ट जोन इधर से शिफ्ट हो गया था तो यहाँ पे भाई का पेटी वगैरह थोड़ा सा लूट के मैं सीधा निकल जाता हूँ गाड़ी लेके क्योंकि मेरे को भाई पोजिशन भी चाहिए। और यहाँ पे बस छः बंदे अलाइव है उससे उसके बीच में किल निकालेंगे और यहाँ पे बस अब लोग सर्वाइव देख रहे हो भाई, गेम प्ले में टिप्स एंड ट्रिक बताने से ज़्यादा गेम को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे खुद देख सकते हो भाई मैं कैसे सर्वाइव निकाल
निकाल रहा हूँ और कितने जोन में एंट्री ले रहा हूँ, कहाँ पर जाकर एंट्री ले रहा हूँ और कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ, कौन से जोन में जा रहा हूँ, कहाँ पर जाकर पोजिशन ढूंढ रहा हूँ, ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा करके देख लेना, जिससे तो आपको हेल्प हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर सीन देखो, मैं यहाँ पर जोन के अंदर जा ही रहा था, पर यहाँ पर सामने साइड में ना एक बंदा ऑलरेडी था, तो उसको मारने के चक्कर में यहाँ पर गाड़ी एक बार घुमा लेता हूँ और यहाँ पर सामने बंदा मेरे को जब स्पॉट हो जाता है ना, तब यहाँ पर गाड़ी रोक के देखो कैसे मतलब भाई को फिनिश करता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे इस भाई को बहुत ही इजीली फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे देखो भाई ने जो गलती किया, ओपन में लेट के स्प्रे दे रहा था, और ये गलती कभी कभी मैं भी करता हूँ, पर ये गलती करना नहीं चाहिए सोलो की लॉबी में और बेसिकली एंड जोन में तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिलहाल इस भाई को फिनिश करके आराम से यहाँ पे ये वाला पोजिशन मेरे को मिल गया था। फिर भी मैं एक बार चेक कर रहा था कोई बंदा है कि नहीं, तो यहाँ पर कोई बंदा नहीं था, यहाँ पर गाड़ी रोका ही था, उतने में यार एक घोड़े वाला बंदा आता है। तो अब यहाँ पर सीन देखो कैसे भाई को फिनिश करता हूँ। तो फिलहाल इस भाई को भी बहुत ही ईजिली फिनिश कर देते रहा अच्छा खासा। यहाँ पे कहाँ मेरा जीरो किल था, बिना इवेंट सर्वाइव किया, 5 किल ईजिली निकाल लेते। उसके बाद देखो यहाँ पे सामने भी बंदा मेरे को स्पॉट हो गया था कि एक बंदा मतलब दूसरा दो बंदा था, एक बंदा आपस में फाइट करके फिनिश हो जाता है, उसके बाद लास्ट जो बंदा बचा था ना उसके लिए मैं यहाँ पे चुपचाप वेट कर रहा था। और उतने में काफ़ी देर तक वेट करने के बाद बंदा यहाँ पे मेरे को हल्का सा स्पॉट होता है, जो स्मोक वगैरह करके बहुत ज़्यादा क्लोज इन कर चुका था। तो अब बारी था इस बंदे को फिनिश करने का, तो कैसे भाई को फिनिश करता हूँ बस वो सीन देखो अभी यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे इजी चिकन डिनर मिल चुका है भाई, इस सीज़न का पहला चिकन डिनर बोल ही सकते हो। और ख़तरनाक ही ज़्यादा 6 फिनिशर्स के साथ अच्छा खासा मेरे को प्लस भी मिला है। और फिलहाल यहाँ पे पहली बार मैं यह वाला डांस अपने कैरेक्टर पे देख रहा हूँ, काफ़ी मस्त लग रहा है, सोच रहा हूँ एक रील बना दूँ, तो देखते क्या सीन होता है। आप लोगों को रील बनाऊँ तो आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर डांस वगैरह कम्प्लीट करने के बाद यहाँ पर मेरे को कितना प्लस मिला है वो चीज़ देखो अभी यहाँ पर। तो यहाँ पे ये वाला मैच में मेरे को 29 का प्लस इजी मिल गया था, ये वाला मैच भाई डायमंड 3 का था। और फिलहाल मैं यहाँ पे डायमंड ऑन पे पहुँच चुका हूँ, आज भी मैं डायमंड ऑन बोलो क्राउन 5 लगा लेता, पर यहाँ पे जितने भी मैच खेला है लास्ट में भाई सारे मैच में सर्वर हैकर आ गया था, जितना भी टायर प्रोटेक्शन वगैरह था सारे मैंने खर्च कर दिया, नहीं तो भाई यहाँ पे और एक मैच खेलता तो शायद माइनस वगैरह लग सकता था। तो इसलिए आज मैंने इतना ज़्यादा मैच नहीं खेला, इसलिए भाई मेरे को भाई क्राउन ऑन मतलब 5 तो पहुंच नहीं पाया, डायमंड ऑन पे ही पड़ा हुआ हूँ। तो देखते कल तक क्या होता है, जो भी सीन होगा आपको वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। आप देखो ये वाला गेम प्ले सेकेंड वाला गेम प्ले, वो वाला गेम प्ले में तो मैं इजी यहाँ पे चिकन वगैरह ले लेता हूँ, उसके बाद ये वाला गेम प्ले भी मैं यहाँ पे क्या सीन था इवेंट पे भाई 0 फिनिशेस के साथ फिनिश हो जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मतलब रिकॉल होने के बाद गाड़ी वगैरह मिल जाता है, गाड़ी लेके एकदम सीधा आराम से सर्वाइव करने आता हूँ जोन के बाहर। और यहाँ पे मैं सर्वाइव कर रहा था और एक बॉट भैया जी भी यहाँ पे स्पॉट हो जाते हैं, तो बॉट भैया को भी आराम से यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, अच्छा खासे यहाँ पे पहला किल निकाल गया था। और भाई किल के पीछे मत भागो, देखना भाई एंड तक सर्वाइव करने के पीछे भागो, इजी 5-6 किल हो जाता है, और भाई 5-6 किल काफ़ी होता है एक मतलब KD वगैरह मेंटेन करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे ये वाले एक मैच में भी सीन देख सकते हो, जोन सर्वाइव करने के बाद जब यहाँ पे टॉप 20 बंदे अलाइव रहते हैं, जोन इतना छोटा बन गया था, तब जाके मैं जोन के अंदर एंट्री लेता हूँ। क्योंकि देखो इवेंट पे सर फिनिश होने के बाद आप लोग क्या करते हो भाई, गुस्से में आके फिर से इवेंट पे चले जाते हो और यहाँ पे माइनस वगैरह लग सकता है, भले अभी लो टायर में इतना ज़्यादा माइनस का फर्क नहीं पड़ा, जब ये वाला मैच मतलब जब AS मास्टर का होगा तब यहाँ पे भाई माइनस पड़ेगा तो कैसे लगेगा एक बार सोच के देखना। तो यहाँ पे गलती से भी इवेंट पे सर्वाइव करने के बाद दूसरी बार भी इवेंट पे कूदने का गलती मत करना, जितना हो सके उतना फाइट इग्नोर करो और एंड में जाके थोड़ा बहुत फाइट निकालो भाई, जब मतलब कम से कम 30-35 बंदे अलाइव है तो इजी फाइट निकाल सकते हो, पर मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा डिवाइस का हालत अभी आज मतलब कुछ दिन से जब यहाँ पे नया अपडेट आया ना तब से बहुत बेकार चल रहा है, इतना अटक रहा है ना डिवाइस क्या ही बोले। ये वाले मैच में भी देखना, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जोन के अंदर आके मेरे को चाहिए था एक पोजीशन, तो फिलहाल ये वाले एक छोटा छोटा जो मतलब शैक टाइप का रहता है ना ये वाला मेरे को खाली मिल जाता है, उससे पहले ये वाले पीछे जो नीचे मतलब पीछे बोल लो सॉरी नीचे जो शैक है ना उसमें भी मैं चेक कर दूँ, पर यहाँ पर बंदा था तो उसको फिनिश करेंगे। उससे पहले मेरे को चाहिए था पोजीशन, और यहाँ पर ऊपर साइड में ये वाला जो पोजीशन है ना मेरे को सही लगता है। और यहाँ पे ये वाला जो शैक वाला बंदा था ना इसके लिए भाई काफ़ी ज़्यादा मेरे को बुरा लगा, 2 टंग करके हेड लगा और एक शायद बॉडी शॉट पड़ा था, और भाई इजी यहाँ पे फिनिश हो जाता है अच्छा खासा। यहाँ पे भाई मेरे को कितना भी किल मिला है, 3 किल मिल जाता है आराम से। उसके बाद यहाँ पे चुपचाप होल्ड कर ही रहा था, उतने में मेरे को क्या सीन था एक घोड़े का साउंड आता है, मतलब मैं यहाँ पे आराम से देख रहा था और अचानक से एक बंदा यहाँ पे घोड़ा लेके आता है। तो अब यहाँ पे देखो कैसे भाई के साथ फाइट निकालता हूँ।
तो फिलहाल यहाँ पे इस भाई को भी बहुत ही इजीली फिनिश कर देते हैं डीबीएस से। उसके बाद 4 किल हो गया था। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे चुपचाप होल्ड कर रहा था, उतने में यहाँ पे देखो गाड़ी का भी रोटेशन जा रहा था और मेरा डिवाइस इतना गंदा लेवल का लैग मार रहा था ना, क्या ही बोले। और फिर से मेरे को नजर जाता कि शक पे और एक गन मतलब गाड़ी आके रुक गया था, तो मेरे को पता था कोई ना कोई बंदा ज़रूर आया होगा, तो इसलिए उस भाई को फिनिश करेंगे। पर उससे पहले यहाँ पे सीन देखो, मेरे को अचानक से पीछे साइड में एक बंदा स्पॉट होता है। तो फिलहाल यहाँ पे इस भाई को भी बहुत ही इजीली फिनिश कर देते हैं। शैक वाले बंदे के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा मेरे को बुरा लग रहा है। अब तुम लोग यहाँ पे बस मेरा लैग देखना, डिवाइस का क्या गंदा लेवल का लैग होने वाला है अभी यहाँ पे। यहाँ पे भाई मेरा डिवाइस का FPS इतना ड्रॉप हो रहा था ना भाई, डिवाइस भी काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा था। इसलिए भाई कभी लेट रहा हो कभी ये कर रहा हो, पता नहीं मेरे को क्या हो गया था। और यहाँ पे पीछे साइड में मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और जहाँ पे ध्यान नहीं दिया था उधर साइड से यहाँ पे पड़ जाता है मेरे को ईजी यहाँ पे। और भाई अच्छा खासा यहाँ पे जितना भी मैंने हैशटैग वगैरह निकाला था मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे प्लस ही मतलब प्लस मिला था, ज़्यादा किल नहीं था पर जितना था डिसेंट सा किल था, तभी 21 का प्लस मतलब 27 का प्लस मिल जाता है। और यहाँ पे फिलहाल मेरा जो करंट टायर है आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो आप लोगों का क्या मतलब रैंक चल रहा है, कौन सी टायर चल रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। और यहाँ पे देखो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हो, चाहे वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हो, देखो बहुत मुश्किल से वीडियो बनाता और ऊपर से इतना लैग वगैरह सहन करके कर रहा हो, तो भाई भाई थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए भाई एक फ्री का लाइक होता है कर दिया करो, जिससे मेरे को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फिलहाल देखो आज के लिए वीडियो यहाँ पर मतलब ख़त्म करते हैं, तो चलो मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।